हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे रुचि इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हूं। जिगलर KWH डिजिटल मीटर का सेटिंग वायरिंग मैं पूरा आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखते रहें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जिगलर का सेटिंग प्रोग्राम कैसे करते हैं। डिजिटल KWH मीटर है, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं डायरेक्ट डिस्प्ले के ऊपर आ चुका हूं, ठीक है। इसके अंदर दो बटन रहता है और दो बटन दोनों एक साथ में थोड़ा टाइम के लिए प्रेस करेंगे, 3 सेकंड के लिए, तो डायरेक्ट हम पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है। ये पासवर्ड पूछेगा हमको, तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड 1000 रहता है, तो हम 1000 इसको सेट करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं इस बटन के थ्रू अप डाउन करके और इस बटन के थ्रू एग्जिट करके हम 1000 पासवर्ड इसको सेट करेंगे। इससे इसके थ्रू हम आगे जाएंगे। देखिए हम आगे क्लिक करके बाद में हम इसको सिलेक्शन करेंगे 0, ठीक है। फिर इसके बटन दबाएंगे तो आगे जाएंगे, फिर इसको सिलेक्शन करके 0 को, फिर इसको इंटर करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड सेट, और एक बार दबाएंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 1000 पासवर्ड सेट हो गया। नेक्स्ट हमारा आएगा सिस्टम। सिस्टम हमारा 4 वायर के थ्रू वायरिंग हुआ है, RYB न्यूट्रल, तो सिस्टम में हम 4 सेट करेंगे, ठीक है। ये 4 सेट करके और एक बार क्लिक करेंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। अपर पावर है हमारा 230 वोल्ट, लाइन और न्यूट्रल है, ठीक है। तो 0.230, ये मेन इंपॉर्टेंट आप देखने का चाहिए, 0.230 सेट करना है इसमें, ठीक है, अपर पावर में, ठीक है। तो ही आपका किलोवाट आवर प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो थोड़ा भी मिस हो। प्रॉपर आप वीडियो देखते रहे ध्यान से, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। जीरो नेक्स्ट पैरामीटर हमारा USR है, ठीक है। इसमें 2.30 सेट करना है आपको, ये भी सेम डिस्प्ले के हिसाब से आपको सेट करना है। पूरा वीडियो देखे ध्यान से, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। US में 2.30 इतना ही ऐसा ही सेट करना है आपको, तो ही हमारा ये मीटर प्रॉपर वर्क करेगा, किलोवाट आवर डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा, ठीक है। बराबर वीडियो देखते रहें, वन बाई वन आपको एक एक पॉइंट जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पियर का। हमारे MDB में हमारे मेन पैनल में जो CT लगा हुआ है, इस पैनल का CT 800 एम्पियर का है, ठीक है। तो 800 एम्पियर हम इसमें सेट करेंगे, वही कैसे सेट करना है, 0.800 सेट करना, 0.800 मीन्स फिर आपको अच्छी तरह ये मीटर वर्क करेगा। एक एक पॉइंट पे भी आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट इधर से इधर जाएगा तो फिर भी आपको फर्क पड़ जाएगा, एक किलोवाट आवर बराबर आपको नहीं शो करेगा इसमें, ठीक है। ई या डी में हमको 2 सिलेक्शन करने का, क्यों हमें सिलेक्शन करने का, क्योंकि हमको डिस्प्ले को ऊपर जो भी रीडिंग दिखाने का, वो रीडिंग हमको किलोवाट आवर में शो करना चाहिए, इसलिए हम इसको 2 सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा किलो वाट आवर में हमारा डिस्प्ले के ऊपर नहीं शो करेगा, दूसरा और कुछ भी शो करेगा, ठीक है। वाट आवर में शो करेगा, यानी में जो भी रहेगा शो करेगा, ठीक है। ERD में 12 सिलेक्शन, ये दोनों सेटिंग इंपॉर्टेंट है। ये दो सेटिंग आप करेंगे तो हमारे डिस्प्ले के ऊपर किलो वाट आवर में रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो वो रीडिंग के हिसाब से हम डायरेक्ट जो भी हमारा यूनिट प्राइस रहेगा मंथली का, उसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके हम मंथली एवरेज देख सकते हैं कितना हमारा प्राइस आ रहा है, ठीक है। फिर हम इसको सिस्टम में जाके हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। वो सेव करके बाद में हम डायरेक्ट हम डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, डिस्प्ले रीडिंग क्या आ रहा है। मैं डायरेक्ट लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप सेटिंग करके आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने सेट किया, ठीक है। मैं आपको रीडिंग अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं रीडिंग हमारा डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, 0007 point something आ रहा है। तो ये रीडिंग है हमारा, इस रीडिंग के हिसाब से हमारा जो भी यूनिट प्राइस रहेगा, तो यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम मंथली का प्राइस निकाल सकते हैं कि मंथली हमारा बिल कितना आया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो और एक बार ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट आप प्रॉपर सेट करेंगे तो ये मीटर वर्क करेगा। मीटर बहुत अच्छा है, लेकिन एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। थैंक यू।